हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि पेलोड मोड में आपको वेपन्स कहाँ से मिल सकता है, कुछ नए स्ट्रैटेजीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, और हम लोग और एक चीज़ आज देखेंगे, वो है आपका हेलीकॉप्टर का स्पॉन लोकेशन। आप कहाँ कहाँ आपको हेलीकॉप्टर मिल सकता है और आपको ये हेलीकॉप्टर स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज़ करना है सही से। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तो पहला चीज़, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों का स्पॉन टावर है। स्पॉन टावर कैसे यूज़ करना है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्पॉन टावर में बेसिकली जब भी आपका कोई टीममेट कोई भी अगर डाउन हो जाता है और किल हो जाता है, आपका टीममेट अगर मर जाता है, ये फीचर जो है बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। आप लोग आपके टीममेट्स को रिवाइव कर सकते हो, मर जाने के बाद भी आप उन लोगों को रिवाइव कर पाओगे। तो आईडी कार्ड पिकअप करने के बाद आपके पास 120 सेकंड का टाइम रहता है वो आईडी कार्ड रिट्रीव करने के लिए। आप आईडी कार्ड लेने के बाद कोई भी टावर पे जाके अपने टीममेट को रिस्पॉन करवा सकते हो। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पे है कि एक टावर आप खाली एक ही बार यूज़ कर सकते हो। अगर इस टावर को आप एक बार अपने दोस्त को रिस्पॉन करने के लिए यूज़ कर लेते हो, तो कोई भी एनिमी हो, अपोनेंट हो, कोई भी आपका ये दोबारा यूज़ नहीं कर पाएगा। एक टावर पर आप खाली एक ही दोस्त को रिस्पॉन करवा सकते हो। तो अब आ जाते हैं रिपेयर पैक्स के पास। रिपेयर पैक्स आपको बहुत जगह पिकअप करने को मिल जाएगा, जैसे कि नॉर्मल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख ही सकते हो मेरा हेलीकॉप्टर डैमेज्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास अगर रिपेयर पैक होगा तो वो यूज़ करके आप इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर टैक्टिक्स के बारे में। हेलीकॉप्टर जो है हाई टू मिड अल्टीट्यूड्स में आपका ज़्यादा बेटर काम करता है। पैराशूट आपको मिल जाएगा अगर आप बहुत ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से अगर सडनली आप निकल जाते हो। सोचो कोई आपका हेलीकॉप्टर पे अटैक कर रहा है, अगर आप निकल जाते हो तो आपका पैराशूट जो है ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा। बट और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अगर आप बहुत लो अल्टीट्यूड पर, मतलब अगर आपका हेलीकॉप्टर ज़मीन के पास है, अगर आप बहुत ज़मीन के पास निकल जाते हो हेलीकॉप्टर से, तो शायद आपका प्लेयर को डैमेज मिल सकता है। और आप नॉर्मल जैसे फ्यूल कैन से हम पेट्रोल भरते हैं नॉर्मली गाड़ी या फिर जो भी है रिफ्यूलिंग का, वो आप हेलीकॉप्टर में भी कर सकते हो। ऑन द फ्लाई आप गाड़ी चलते हुए भी उसको रिफ्यूल कर सकते हो। बट अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हो तो उसको एक जगह स्टेशन करके ही आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर स्पॉन्स के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है मेन की लोकेशंस, जो भी रेड सर्कल में आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर स्पॉन इजीली मिल जाएगा। मिलिट्री बेस में तीन जगह आपको हेलीकॉप्टर स्पॉन मिलेगा और मिल्टा पावर में आपको दो मिल जाएगा। तो गाइस बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका हेलीकॉप्टर पाने का जो चांस है, अगर आप उतरते उतरते आप हेलीकॉप्टर पाना चाहते हो, तो आप आइदर मिल्टा पावर या फिर मिलिट्री बेस में उतर सकते हो, जहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर पाने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को और एक चीज़ नया दिखने को मिल रहा है, जो है आपका सुपर वेपन क्रेट। जैसे क्लासिक मैच में आपका एयर ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे एक सुपर वेपन क्रेट रहता है जो हर एक तीन मिनट स्पॉन होता है। तो उस क्रेट में आपको क्या मिलेगा, उस क्रेट में आपको लेवल 3 का आर्मर और जो भी एक्सक्लूसिव पेलोड मोड के गन्स है वो गन्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पेलोड मोड में जो गन्स मिलते हैं आपको, RPG-7, M79 ग्रेनेड लॉन्चर, ये जो रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर, ये बहुत ही आपको संभाल के यूज़ करना है। अगर ये आप बहुत पास यूज़ करते हो अपने पास, तो आपको डैमेज मिल सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पे अवॉइड करना चाहें वो है कि बहुत साथ एक साथ हम लोग अगर रहते हैं, चार बंदे अगर हम लोग एक साथ एक एज ए टीम अगर पूरा ग्रुपिंग करके चलते हैं, तो कोई भी अगर एक RPG से आपका पूरा टीम फिनिश कर सकता है। तो बेसिकली हम लोगों का एक ही टैक्टिक्स रहना चाहिए कि हम लोग बहुत संभाल के ग्रेनेड लॉन्चर और जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है उसको यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं एयर स्ट्राइक बीकन के बारे में। एयर स्ट्राइक बीकन आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जब आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एक मीटर आइकन आता है, आप जहाँ पे जितना दूर है लोकेशन वहाँ पे आप जब भी इसको बुलाओगे तो थोड़ा टाइम लेता है, इसके बाद आपको यहाँ पे एयर स्ट्राइक दिखने को मिलेगा। एयर स्ट्राइक बेसिकली रेड जोन की तरह होता है। नॉर्मली रेड जोन में जाकर बम गिरता है, तो एयर स्ट्राइक में भी काइंड ऑफ ऐसा ही है, बट ये रेड जोन आप खुद बुला सकते हो। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आप लोग देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो। और कमेंट्स में मुझे नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो। तो थैंक यू गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।